बहुत 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 स्वागत है आप सभी का रचित और लॉस के अंदर। आज जो है हम लोग भाई ऐसी जगह पर आए हैं जिसकी शुरुआत जो है ऑर्कुट पर ऑनलाइन मोदक बेचने से हुई थी से लेकर इतने बड़े रेस्टोरेंट तक। तो भाई आज जो है हम लोग आए हैं पूर्ण ब्रह्मा द मोस्ट ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर जो है साबूदाना वड़ा, नॉर्मल आटा वड़ा से लेकर वड़ा पाव और अपनी पूरी महाराष्ट्रियन थाली भी यहाँ पर मिलती है। इनका मानना ये है कि खाना जो है बहुत अच्छा तभी बनता है जब वो सादा हो पर उसके अंदर बनाने वाले का बहुत सारा प्यार हो। तो बस इसी के साथ इस जगह को देखते हैं। एम्बियंस तो इतना ही बढ़िया है कि यहाँ पर मैं आके खो गया था, आप भी पक्का खो ही जाओगे। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या ही मज़ा आता है यार। हम लोग जो है आ रहे हैं ऊपर के एरिया में और ऊपर भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, छोटा सा क्यों ना हो पर ज़रूर है यहाँ पे। और इसी के साथ अभी हम लोग जो है बढ़ रहे खास एरिया के अंदर जो कि है किचन। अब मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँ तो ये जो है ये किचन लगता भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा रेस्टोरेंट है उतना ही पॉश, क्लीन और हेल्दी जो है हमारा किचन भी है। एक बार किचन की तरफ गौर फरमाइए और देखिए कितना स्पेशियस, कितना बढ़िया सा यहाँ पर हमको किचन दिख रहा है। अभी जो है हम लोग हमारे सबसे पहली डिश की तरफ आ चुके हैं। कौन सा जो है महाराष्ट्रियन सबसे ऑथेंटिक बनने वाला है वो अभी हमको शेफ खुद बताएंगे। शेफ आपका नाम बताइए और क्या है बताइए। शेफ भाग्यश पाटिल नाम है मेरा। और ये फोड़नी चिवकट बोलते हैं इसको, बेसिकली ये ओवरनाइट सोक करके रखते हैं राइस को और उसको फिर ये करते हो प्यूरी, मतलब पेस्ट करते हो उसका, फिर पकाते हो उसको। अच्छा, तो स्टीम के अंदर हम लोग उसको पकाएंगे। हुआ है वापस उसको इसे बॉल बना के सिर्फ स्टीम करेंगे और फ्रेश कोकोनट का चटनी बनाएंगे उसके साथ। क्या बात, दिखाएंगे देखते हैं कैसा है क्या है। बहुत ही बढ़िया, ये पूरा ऑथेंटिक डिश है। इसका नाम क्या है वापस से एक बार बोले। फोड़नी चिवकट सबसे पहला हमारा स्टार्टर है, तो देखते हैं कैसा लगता है, टेस्ट भी करेंगे, बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा। तो हमारा दूसरा स्टार्टर जो है वो है मटर कचौरी, जो कि यहाँ पर जो है तल रहा है और उन्हें रेडी करके रखा था और यहाँ पे जो है सिर्फ फ्राइंग प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, स्मेल भी बहुत अच्छा है। इसका क्या नाम है? मसाला कोकम। हमारा पहला वेलकम ड्रिंक जो है यहाँ पे आ चुका है मसाला कोकम, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। ओके राइट, सो फाइनली हमारी जो पूरी थाली है यहाँ पे आ चुकी है। भाई थाली दिखाओ, भाई इन्हें थाली दिखाओ। यहाँ पर जो है हमारी थाली बहुत बढ़िया तरीके से आ चुकी है, बट थाली के पहले हमारे पास जो यहाँ पर होता है ये है एक कोकम मसाला ड्रिंक, ठीक है। इसको मैं टेस्ट करता हूँ और पहली बात जो है इसका जो टेस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है कोकम भाई। और यहाँ पर जो है यूजुअली आपको एज अ वेलकम ड्रिंक जो है सोल कड़ी भी मिलती है, तो देखते हैं कैसा लगता है भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूँ आपको इसके अंदर सोल कड़ी का भी जायका मुझे पता नहीं कैसे आ रहा है, बट सोल कड़ी जैसा लग रहा है। इसके ऊपर जो है कोशिमबीर भी डाली हुई ऊपर से, उसके अलावा ये थोड़ा सा तीखा भी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऑथेंटिक मराठी टेस्ट जो है इसके अंदर मुझे फील हो रहा है। एक बार आप वापस देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट।
वेलकम ड्रिंक से मानो आपके जो है टेस्ट बड्स जो है पूरी तरीके से खुल जाते हैं और आप जो है आगे का जायका लेने के लिए तैयार हो जाते हो। एक बार हमारे प्लेट की ओर वापस से गौर करेंगे और आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो दिन है ये है मंडे यानी सोमवार। तो इनकी जो हर दिन की अलग अलग प्लेट होती है, आज मंडे है तो ये प्लेट है, दूसरे दिन पे अगर जो है तो शिव थाली हो सकती है, तीसरे दिन पे ये लोग अगर जो हो सकता है स्वामी समर्थ की थाली हो सकती है, उसके बाद जो है बालाजी की भी थाली हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे पास बैंगन है, यहाँ पे इसको हम लोग जो है बोलते हैं भरली वांगी, रस्सा के साथ आता है। यहाँ पर हमको जो है तिक्खा सा कचुंबर दिया है उन्होंने, इसी के साथ ये क्या है मुझे पता नहीं बट सीम्स लाइक अ स्वीट और डेजर्ट के अंदर काउंट होगा। यहाँ पर जो हमारे पास एक रस्से की सब्जी है और यहाँ पर जो है वो स्पेशल वड़ी जो हमने आपको दिखाई थी, जिसको बनाने में बहुत ही बढ़िया एस्थेटिक्स लगे थे हमको, उसके ऊपर जो है खोबरा किस के डाला हुआ है तो बहुत ही बढ़िया। ये हमारे जो है दो स्टार्टर के अंदर काउंट होता है। ये जो है हमारा मटर का पैटी टाइप चीज़ है और बहुत ही बढ़िया, इट इज़ हॉट बेट। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास उकड़ी का राइस जैसे बोल सकते हैं हम लोग, ये भी कुछ तो भी अलग है। तो ये दोनों स्टार्टर्स है तो इसलिए हम लोग ये पहले टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा ही लगता है। तो ये जो है उकड़ी का जो चीज़ है ये हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। नाइस, के साथ थोड़ा ठीसा। एज अ स्टार्टर मैं कहूँगा कि ये जो है हम अगर किसी तरीके का उपमा दे और उसको ऐसा शेप दे दे और उसको स्टीम दे दे तो भाई साहब आपका ये उकड़ी का जो ये है तैयार हो जाएगा तुरंत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज, स्टार्टर के लिए बहुत ही अच्छा, बट स्टिल नॉट द बेस्ट आई वुड से। इसके अलावा हमारे पास जो है ये मटर का कबाब है हमारे पास, इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। इसको जो है हम लोग वापस जुला ठीसा के साथ में लेंगे, देखते हैं किस तरीके का स्वाद आता है। काफ़ी क्रिस्पी है ये, काफ़ी क्रिस्पी, क्या बात है। आई वुड रेट दिस मोर, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्रिस्पी स्टार्टर के नाम पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा लगा। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास जो है यहाँ पे राइस भी उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, ये कुछ जो है बेसन की वड़ी बोलते हैं इसको उन्होंने ऐड किया है, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे सार यानी इसके ऊपर जो डालते हुए रस्सा जो हमको मिलता है वो दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अच्छी सी भाकर भी है, तो झुमका बागर का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो हमको ये प्लेट में यहीं पे मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग वांगा वगैरह टेस्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा जूसी है, देखिए भाई देखिए क्या ही बात है, भाई क्या ही बात है, ये देखिए, ओहो हो, टेस्ट करके देखते हैं। माँ कसम गाइस, आई एम नॉट किडिंग, हमारे घर पे जिस तरीके का बनता है उसी तरीके का प्रॉपर मराठी जायका है, म्हणजे मजा के लिए असं 100% म्हणू शकतो, कारण की एकदम मला घराची चव आली, माझ्या आटी जी मराठी आहे घरी जी मी बोलतो ती सरळ बाहेर आलेली आहे, तर मग खूप छान वाटलं मला आणि हे तर एक नंबर अप्रतिम होतं। अब जो है हम ये वडी टेस्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे बनाया गया था, देखते हैं कैसा लगता है ये। फुल ऑफ ऑथेंटिक मराठी स्पाइसेस इन दिस वड़ी, बहुत ही वेल कुक्ड, शेप भी बहुत बढ़िया है, आई फील इट्स अ वेरी गुड क्वांटिटी एंड एक परफेक्ट बाइट जो हम लोग बोलते हैं वो मुझे इसके अंदर मिला, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो है पूर्ण ब्रह्मा इज़ नॉट जस्ट इन नासिक, इंडिया में तो ये काफ़ी जगह पे है, पर इनका स्पेशलिटी है कि उनको मराठी जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन टेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, तो इसी के साथ इनका जो है एम्स्टरडैम में है, यूएसए में है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी है, यानी कि क्या ही बात है यार। और हमारे नासिक में ऐसी जगह खुल चुकी है आज ही के दिन, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई आइए और ये खाइए। अगर जो आप नासिक में हो और आपने ये ट्राई नहीं किया, प्रॉपर महाराष्ट्र थाली ट्राई नहीं की, तो आपने क्या ही महाराष्ट्र स्पाइसेस को चखा है यार, आइए और पक्का खाइए यार। हम ये देखिए कितना बढ़िया है इसे, क्या बात, क्या ही बात है, टेस्ट करेंगे। नाइस, इसका जो स्वीटनेस है एक ऐसा टाइप का स्वीटनेस है जो मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया है, खट्टा सा है टेस्ट के अंदर, बहुत ही बढ़िया खट्टा सा और तीखा सा, तो बहुत ही बढ़िया जाता है इस राइस के साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये।
इसको हम लोग रखेंगे साइड के अंदर। तो लगभग हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं है, पर इसी के अलावा यहाँ पर जो है सेटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा गजब है। अगर आप अपने लाइफ रेफ लाइट में देखोगे तो आपको समझेगा कि भाई यहाँ पर जो है भारतीय बैठक है। अगर जो मराठी में बोले तो मांडी घालून बसून मस्तपैकी मराठी चवाचा आनंद घेणं हे इथे आहे। क्लियरली राइट ना कि हर चीज़ इसके अंदर अनलिमिटेड नहीं है, बट पूर्ण ब्रह्मा ये नाम के अंदर ही हमारा पूरा खाना आ जाता है, जिसके अंदर स्टार्टर से वेलकम ड्रिंक से लेकर स्टार्टर से मेन कोर्स से डेजर्ट पूरा आपको एक ही बार में मिल जाता है। तो क्वांटिटी का भाई कोई हिसाब के बाहर आपको मिल जाती है। एक बहुत बढ़िया पॉलिसी ये है कि अगर जो आपने इसके अंदर झूठा रखा तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, पर अगर जो आपने ये पूरी प्लेट कंप्लीट की तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। वेल प्लेट ही इतनी टेस्टी है कि 5% डिस्काउंट मिलना ही है भाई आपको। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि भूख लागलेली असेल आणि जेवायचं असेल चविष्ट जीवन जेव्हा, एकही विचार ना करता धावत पळा तुम्ही पूर्ण ब्रह्मा। बस अगर जो आपको यहाँ तक भूख लगी है वीडियो देख के तो भाई भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही ऑथेंटिक खाने और स्ट्रीट फूड भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। टिल देन डोंट फॉरगेट, स्टे हेल्दी स्टे फिट बट डोंट फॉरगेट स्टे हंग्री।